हेलो फ्रेंड्स, मैं तमन्ना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका ओके क्रेडिट में। और एक बार फिर से हमेशा की तरह आई हूँ एक ऐसा यूनिक आइडिया जो थोड़ा सा इनोवेटिव सा भी है, थोड़ा सा क्रिएटिव भी है, और अगर आपके पैशन से जुड़ा है तो मान लीजिए कि ये आपको करना ही होगा। इसलिए क्योंकि इससे कमाई जो होगी ना वो अच्छी खासी होगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा पेशेंस आपको ज़रूर रखना होगा। हालांकि हर बिज़नेस में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन इसमें हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा रखना हो क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रही हूँ कैसे आप अपने मोबाइल कैमरा से फ़ोटो खींच कर पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप अच्छा सा कैमरा लेके, DSLR लेके पैसा कमा सकते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है, कैसे आप गूगल में जो इमेजेस देखते हैं कैसे वो आपको दिखती हैं, क्या उसके लिए कोई कॉपीराइट लेना पड़ता है, क्या उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह के वीडियोज़ आप बिज़नेस से लेकर देखना चाहेंगे। और अगर आपके मन में कोई आइडिया है तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। और हाँ, वो लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेगा जो फ़ोटो खींचने के शौकीन है, चाहे फिर अपनी फ़ोटो हो या फिर नेचर की, वाइल्ड लाइफ, किसी भी तरह की फ़ोटो खींचने के शौकीन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के समय में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें फ़ोटो खींचने का शौक होता है और अपनी इसी पसंद से वो पैसा भी कमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए आपको कोई DSLR या फिर कोई महंगा कैमरा नहीं लेना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन के कैमरे से भी अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे सही एंगल, लाइट का सही इस्तेमाल, ऑब्जेक्ट और कैमरे के बीच की दूरी के साथ और भी बहुत कुछ। अगर आप इन सबको अच्छे से कर पाते हैं और आपके पास भी सही फोटो लेने का हुनर है तो आपके लिए ये पैसे कमाने का सबसे अच्छा ऑप्शन है। मोबाइल से फोटो लेकर आप इन तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। वेबसाइट को बेचें फोटो। आज के इंटरनेट के समय में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें लोग अपने फ़ोन से ली गई फ़ोटो को बेचकर हज़ारों रुपए कमा रहे हैं। इसमें आपकी फ़ोटो की क्वालिटी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का कैमरा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका कैमरा थोड़ा अच्छा हो। कैमरा ऐसा हो कि फ़ोटो के पिक्सल की क्वालिटी ना गिरे। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी कंपनियां हैं जिन्हें कुछ फ़ोटो और इमेज की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही कुछ लोगों को बिना कॉपीराइट की फ़ोटोज़ अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए होती हैं। ये लोग गूगल से अपनी ज़रूरत की इमेज डाउनलोड कर अपना काम चलाते हैं। लेकिन जब बात बड़ी कंपनियों की आती है तो कंपनी कॉपीराइट की इमेज का इस्तेमाल नहीं करती और अपनी पसंद की फ़ोटोज़ को खरीद कर या फिर परमिशन लेकर उसका इस्तेमाल करती है। इन फ़ोटोज़ को खरीदने के लिए कंपनीज़ को कोई बड़ी परेशानी नहीं होती और आपको अपनी फ़ोटो के लिए अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। किस तरह की फ़ोटो खींचकर आप कमा सकते हैं पैसा? कुछ नेचुरल फ़ोटोज़ जैसे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, समुद्र की बेहतरीन फ़ोटो क्लिक करके आप किसी नेचर से रिलेटेड साइट पर अपनी फ़ोटो बेच सकते हैं। अपने या किसी खूबसूरत शहर की गली, रोड, घर या मोहल्ले की फ़ोटो भी आप ले सकते हैं। ये इमेज भी काफ़ी कंपनीज़ खरीदती हैं। अगर आपको ऑटोमोबाइल का शौक है तो आप अपने शौक को कमाई का बेहतरीन जरिया बना सकते हैं। इसमें आप ट्रेन, बस, जहाज़, कार या अपनी बाइक की फ़ोटो ले सकते हैं या फिर किसी ऑटोमोबाइल के शोरूम या गाड़ी लॉन्चिंग के समय फ्रीलांस काम कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी के लिए अलग से काफ़ी महंगे कैमरे आते हैं, लेकिन आप अपने पास के ही पशु पक्षियों या किसी अन्य जानवर की फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आपको खाने का शौक है तो फूड ब्लॉगर बन सकते हैं, फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बना सकते हैं। आजकल वैसे भी फूड ब्लॉगिंग काफ़ी चलन में है। फ़ोटो खींचते समय किन बातों का रखें ख्याल? आपके द्वारा ली गई फ़ोटो की क्वालिटी और क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए। आप किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं, उस वस्तु और उसके पीछे का बैकग्राउंड दोनों अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फ़ोटो किसी अनजान शख्स ने खींची है। आपकी फ़ोटो में किसी तरह का कोई कॉपीराइट आइटम नहीं होना चाहिए। अपनी फ़ोटो खींचकर और उसे बेचने से पहले आपको कंपनी या जिसे आप फ़ोटो बेच रहे हैं उनकी सभी शर्तों और नियमों को जान लेना चाहिए। फ़ोटो किसी साइट से या गूगल से चोरी किया नहीं होना चाहिए, वरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है आप मुसीबत में फंस जाएं। किस वेबसाइट पर आप अपनी फ़ोटो बेच सकते हैं? शटरस्टॉक। शटरस्टॉक फ़ोटो खरीदने के मामले में सबसे टॉप की वेबसाइट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साइट से कम 160 से ज़्यादा देशों के साल लाख से करीब लोग जुड़े हुए हैं और अब तक 250 मिलियन से ज़्यादा लोगों द्वारा खींची गई फ़ोटोज़ इस वेबसाइट ने खरीदी हैं। कंपनी आपकी फ़ोटो के हिसाब से आपको पैसे देती है। अनुमान के तौर पर एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो के लिए आपको यहां से $5 से $10 यानी 600 से लेकर 700 रुपये तक आपको मिल जाएंगे। 1-2-3 RF। शटरस्टॉक के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी वेबसाइट है। आप इसमें अपने फ़ोन से बनी फ़ोटोज़ या वीडियोस अच्छे पैसों में बेच सकते हैं। इसमें गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनीज के ग्राहक हैं। स्मगमग।
इस साइट में आपको हर महीने के आधार पर मेंबरशिप लेनी होगी और अपनी फोटोज कंपनी को बेचनी होती हैं, जिसे लगभग 800 से 900 रुपए में खरीदा जाता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप वेबसाइट में फोटो बेचते हैं तो उसका रेट कंपनी नहीं बल्कि आप तय करते हैं। अगर आपकी फोटो अच्छी रही तो कंपनी आपको 85% तक पैसे दे देगी। किसी भी वेबसाइट को अपने फोन से खींची फोटो बेचने के लिए आपको जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे कि जिस साइट पर आप फोटो सेल करना चाहते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें और वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बना लें। वेबसाइट की शर्तें और नियमों को अच्छे से पढ़ लें और उसके हिसाब से ही अपने फोटो खींच कर अपलोड करें। आपके द्वारा खींची गई फोटोज को ये वेबसाइट रिव्यू करती है, उसमें देखा जाता है कि कहीं आपने ये फोटो कहीं से चोरी तो नहीं की, क्या आपके पास इसका कॉपीराइट है। इसके साथ ही फोटो की क्वालिटी को भी देखा जाता है। इन सब प्रक्रिया के बाद कंपनी आपको आपकी फोटो के पैसे देती है। अगर आपकी फोटो कंपनी ने सही पाई तो आपको उसका अप्रूवल मिल जाएगा और आपकी फोटो किसी जरूरतमंद को बेचने के लिए रख दी जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरह से आप अपने मोबाइल कैमरा से और अपने शौक को कैसे आप एनकैश कर सकते हैं, कैसे अपने शौक को एक बिजनेस में तब्दील कर सकते हैं। थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है और आपकी रिसर्च के लिए हम यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपके सवालों के जवाब हम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, स्माइल के साथ एक फोटो क्लिक कीजिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।